हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। पिछली क्लास में उसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी और फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। आज सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। आपको याद हो पिछली क्लास में हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना सीखा था कि कितना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आज उसी को जो है अकाउंट की फॉर्म में करेंगे, आज जो है असेट्स अकाउंट बनाएंगे। जैसे जो भी असेट्स का नेम होगा, जर्नली मशीन दे रखी होगी तो मशीन अकाउंट बनाएंगे। मैं एक बार पहले क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। आप सेकंड क्वेश्चन देखो फिर समझाते हैं। लिखा है राम एंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹21,000 ऑन 1st अप्रैल 2019। 2019 में 21 की मशीन परचेज हुई है राम एंड कंपनी के थ्रू। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर, और मशीन की लाइफ कितनी बता रखी है 10 ईयर। आफ्टर विच इट्स रिलाइजेबल वैल्यू मीन स्क्रैप वैल्यू, जो 10 ईयर के बाद रिलाइजेबल वैल्यू क्या है, जो स्क्रैप में रिलीज होगा हमें अमाउंट, विल बी 1000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, एक तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से पिछली क्लास में आपको याद हो मैंने बताए थे दो मेथड है, अभी हम खाली स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट भी बनाना है और लिखा होगा कि कितने ईयर का बनाना है। लिखा है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 ईयर का मशीन अकाउंट बनाना है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च, जो बुक्स क्लोज होंगी वो 31st मार्च को होंगी एवरी ईयर। तो आप जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे होगा। ये देखो क्वेश्चन हमने जो है पहले फॉर्मेट बनाना है आपने, ये रहा ये मशीन अकाउंट। इसमें डेबिट साइड में 4 कॉलम खोलने हैं, क्रेडिट में भी 4 ही खोलने हैं। डेबिट साइड में पहला कॉलम आएगा डेट का, पर्टिकुलर का, उसके बाद JF जिसमें कुछ नहीं लिखना, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम। सेम क्रेडिट साइड में भी यही 4 कॉलम ओपन होने हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो मशीन अकाउंट बन गया हमारा। ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिख देंगे। साइड में वर्किंग नोट बना लो आप, ये वर्किंग नोट बना रखे हैं। इसमें वर्किंग नोट असल में डेप्रिसिएशन में मैंडेटरी है बनाने, क्योंकि वहां से हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे। आप जरा क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, देखो क्या है। देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन का हमने कल आपको फार्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स मशीनरी की कॉस्ट जितनी है। इस क्वेश्चन में 21,000 दे रखी है, देखो ये दे रखी, माइनस करो स्क्रैप वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू है उसके काफी सारे नेम है। स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, रिलाइजेबल वैल्यू भी। सबका मीनिंग ये है कि वो स्क्रैप में 1000 की रिलीज होगी। इट विल बी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, कितनी दे रखी है 10 ईयर। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया पर एनम का। ये चीज क्लियर हो गई, एक तो हमें ये निकालना था इस क्वेश्चन में, पर एनम का मतलब 1 साल का। अब वो ये कहता है कि आप इसको मशीन अकाउंट भी बनाओ 3 ईयर का। अब वो कैसे बनता है वो देखते हैं। तो वर्किंग में तो हमने पहले फार्मूला लिखना, ध्यान रख लो, फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद अप्लाई करो। टोटल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, असेट से लिखा है या मशीन लिख दोगे 21, स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है 1000, उसी को रिलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। इट विल बी डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन, वो 10 ईयर दे रखी है। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया ईयरली, इसको पर एनम का, पर एनम मीन्स ईयरली, 1 साल का कितना आ गया 2000। अब मशीन अकाउंट तैयार करते हैं कैसे बनता है। देखो यहां सबसे पहले आप ईयर लिखो, जिस ईयर की बात चल रही है 2019 की बात चल रही है, देखो, और यहां आप डेट डाल दो April 1st, वो लिखी हुई है क्वेश्चन में, या लिखो टू बैंक जितने की मशीन परचेज हुई है। ध्यान रखना हम यहां पर कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए हमें क्या लिखना चाहिए, बैंक कितने अमाउंट की परचेजिंग हुई है 21। ये चीज क्लियर है, ये फर्स्ट ईयर की बात है, ध्यान रख लो। जैसे ही पहले साल आप मशीन लोगे तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है, तो कोशिश ये करो बैंक वर्ड लिखो। क्यों लिखो वो भी बताता हूं कि जब कभी भी हम कोई असेट्स को परचेज करते हैं तो उसको जो है चेक के थ्रू परचेज करते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो असेट्स परचेज कर रखी है वो चेक के थ्रू कर रखी है। हम कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब 21 हुआ, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर पे आओ, इस ईयर का एंड कब होगा नोट करो, इस ईयर का एंड होगा 2020 और डेट आ जाएगी March 31। यहां पर लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन जितना ईयरली चार्ज हुआ था डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना ने लिया था 2000। ये चीज क्लियर हो गई, और इसी डेट को 31st मार्च को ही आप यहां पर फिर लिखो बाई बैलेंस सीडी, 1 साल बाद बैलेंस बताओ मशीन का कितना रह गया, बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन।
अब ये कैसे निकलते हैं इनका टोटल कर, अब ये इनका टोटल करते हैं, दोनों साइड जो बड़ी फिगर है वो लिख दो, कौन सी बड़ी फिगर है 21, तो 21 लिख दो, ये रहा। इसमें से ये माइनस करें तो कितना आ गया 19,000। ये चीज क्लियर हुई, ये कहां से आया, इधर की साइड जैसे हम लेजर करते थे सेम ऐसे ही है, ये भी तो लेजर ही है, 21 इधर का टोटल था, उधर खाली 2000 है। हमें बैलेंस शीट निकालना होता है एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद। अब अगले साल की बात करते हैं, अगले साल यहां लेके आओ, यहां लिखते हैं टू बैलेंस वीडियो, आप डाल दो अप्रैल फर्स्ट, मैंने बोला ना जो क्लोजिंग डेट आएगी उससे आगे वाली डेट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, अगले साल 19,000, ये रहा। अब इसको इस साल फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, हर साल कितना लगना है डेप्रिसिएशन आपको पता है, और कितने साल का मशीन अकाउंट बनाना हमें, 3 ईयर का, तो 3 ईयर तक बनाएंगे, अभी 1 ईयर का ही बनाए। यहां डेट डालो आप, फिर मेंशन करो 21 और डेट डालो मार्च 31, यहां लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लो जी डेप्रिसिएशन अकाउंट 2000। यहां तक क्लियर हुआ, अब फिर इसको क्लोज करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं तो इधर की साइड का टोटल करो, ये कितना आया 19,000 लिख दो। क्लोजिंग आपको बताया दो लाइनों से ऐसे क्लोजिंग करते हैं आमने सामने। अब यहां फिर डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 17,000, ये बैलेंस सीडी हो गया, बाय बैलेंस सीडी, डेट आपकी वही मार्च आ गई 31। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहां लिखो पहले ईयर 21 और यहां लिखो अप्रैल फर्स्ट और लिखो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, जो ये निकला था आपका कितना निकला था 17 लिख दो। अब फिर उधर चलो एक साल बाद, इसके एक साल बाद कौन सी डेट आएगी, अब 22, ये रहा, और यहां डेट डालो आप मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है 2000 जो हमने निकाला ईयरली वो लिखना है। अब फिर इसको क्लोज करते हैं, यहां फिर डेट डालो आप मार्च 31 और बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल करो, बड़ी वाली फिगर लिखो, इधर 17 और इधर 2, 17 और ये कितना आ गया आपका 15,000। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो 15,000 और यहां डेट डाल दो आप 2000 पहले ईयर और अप्रैल फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी, 3 साल का ही हमें बनाना था बैलेंस बीडी। ये चीज क्लियर हो गई, ये ऐसे बनता है हमारा मशीन अकाउंट। अब हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको एक बार हल्का सा रिकॉल कराता हूं आपको। सबसे पहले वर्किंग में आप डेप्रिसिएशन निकाल लो, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, इट इज 21,000 यानी माइनस रिलाइजेबल वैल्यू, उसी को स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, उसी के काफी सारे नाम है, उसको ब्रेकअप वैल्यू भी बोलते हैं, उसको फैच भी बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, काफी सारे नाम है। मीनिंग ये है कि जब 10 ईयर हो जाएंगे तो स्क्रैप में बिक के मिल जाएगी, तो टोटल 10,2। और डेप्रिसिएशन का लॉजिक भी अभी बताते हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। तो पहले तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया पर एनम का आ गया। अब ये अकाउंट कैसे बनता है दोबारा समझो, यहां पर सबसे पहले जितने का परचेज किया था वो लिखो, माइनस करने वाली वैल्यू नहीं लिखनी, कई बार स्टूडेंट गलती कर देगा। जितने की कॉस्ट थी आपकी 21 की परचेज हुई थी उसमें से कुछ माइनस नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर कोई यदि इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं तो प्लस हो जाएंगे। तो यहां 21 लिखा, एक साल बाद जो डेप्रिसिएशन हम वर्किंग में निकाल के लाए थे एनुअली वो यहां पुट करो, फिर इस अकाउंट को क्लोज करो। अकाउंट क्लोज जिस ईयर में परचेज थी पहले वो ईयर लिखा, एक साल बाद की डेट लिखेंगे बैलेंस शीट आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे लेजर का रूल है कि लेजर में जब बैलेंस शीट निकलता है तो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये हमने कैश बुक में भी देख रखा है और लेजर जब बनाए थे तब भी है। यहां टू बैलेंस बीडी करो, इससे एक दिन आगे की डेट अप्रैल फर्स्ट 20, फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया 2000, फिर बैलेंस शीट आ गया। अब ये बैलेंस शीट फिर आगे चला गया बीडी बन के, फिर डेप्रिसिएशन। तो ये बनाने का पर्पज क्या है वो भी आज आपको बताता हूं। देखो एक तो आपको ये पता चल गया कि आफ्टर 3 ईयर आपकी मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है 15,000, ये चीज समझ आई, और 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका 6,000, कैसे पता चला 1, 2, 4 और 6। तो ये डेप्रिसिएशन का लॉजिक होता है कि डेप्रिसिएशन बनाने से हमें जो है हर साल अपनी मशीन की वैल्यू पता रहेगी कि वो अप्रॉक्स इतने के आसपास है। अप्रॉक्स होता है, मार्केट में वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक रफली आइडिया हो गया कि मशीन की आज वैल्यू कितनी रह गई है 3 साल बाद
15, 2 साल बाद पूछता है तो 17, 1 साल बाद पूछता है तो 19। ये चीज क्लियर हो गई, तो बहुत आसान था। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मशीन अकाउंट नहीं बनाना, हमें एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है और साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखो लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन ऑफ रुपी 96,000 की मशीन परचेज करी है एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, जो कि इसी में क्लब होगी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 4 ईयर दे रखी है और साथ में एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 72,000। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले तो फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। क्या फार्मूला लिखना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन लिख दो आप, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट कैसे बनता था ये आपको पता हो, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो आपको लिखवा है फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा था, और माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। और ये जो डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है क्वेश्चन में। आप जरा यहां शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन है। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाल रहे हैं, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन लिखो माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो क्वेश्चन में मेंशन है। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन लिखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था जितने की मशीन परचेज करी, 96 की करी है आपने, 24,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेज है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। ये बन गई हमारी क्या चीज, टोटल कॉस्ट। माइनस करो 72,000 आपको क्या दे रखी है, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, तो 72 पुट कर देंगे और इट विल बी डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ मशीन। लाइफ कितनी दे रखी है, 4। आप जरा इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आपका बन गया 1,20,000। 1,20,000 माइनस करो 72,000 और डिवाइडेड बाई 4, टोटल वैल्यू जब आप इसमें से पुट करते हो तो 48,000 आ गई, और डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 12,000 आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। ये जो हम निकाल रहे थे क्या चीज आ गई हमारी, 1 साल का डेप्रिसिएशन, 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा 12,000 रुपी आ गया। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला इसी क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। उसका फार्मूला क्या था आपको याद हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, वो लिख लेते हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का था एनुअल डेप्रिसिएशन और डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, 1 साल का जो डेप्रिसिएशन आया वो लिखना है, इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो उसकी कॉस्ट दे रखी है, और इनटू करो 100। एनुअल कितना निकला था डेप्रिसिएशन आपको याद हो, 12,000 ईयर, ये जो अभी निकाला हमने। टोटल कॉस्ट मशीन की कितनी दे रखी है, वो ऊपर दे रखी है, इन दोनों को क्लब करें तो 120 बनी, ये 1,20,000 और इनटू कर दो इसको 100, तो क्या चीज आ गई हमारा, 10% जो आ गया, क्या आ गया, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आ गया पर एनम, ये परसेंटेज की फॉर्म में आ गया, पर एनम भी लिख लो, पर एनम मतलब 1 साल का रेट जो आया है, ये डेप्रिसिएशन आ गया, परसेंटेज की फॉर्म में लिख दो 10%। ये क्लियर हुआ कैसे करा, दोबारा समझ लो। पहले फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या बनता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल के काफी सारे नाम है, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, फैच, रिलाइजेबल वैल्यू, इट विल बी डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ मशीन। टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, जो मशीन आप परचेज करते हो वो, और मशीन के ऊपर इमीडिएटली जो जो एक्सपेंस आपने किए इंस्टॉलेशन के, या उसको परचेज करने तक के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लाइक कैरेज कर रखा हो, फ्रेट कर रखा हो, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। माइनस करो रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ दे रखी थी 4, टोटल कितना बन गया 120 माइनस 72, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया ईयरली, यानी कि 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 12,000 आ गया इस मशीन का। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना था इसी क्वेश्चन में, उसका फार्मूला क्या था, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इन 200, 12 डिवाइडेड बाई 120 इन 200, 10। तो दो चीजें हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, वो दोनों हमारी आंसर निकल गई,
एक तो हमें ये निकालना था और एक एनुअल डेप्रिसिएशन, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, उसके अंदर मशीन अकाउंट बनाना है। तो थोड़ा सा हम जो है सोच सोच के करते जाएंगे, बड़े ध्यान से करो, बहुत अच्छा टॉपिक है मशीन डेप्रिसिएशन, और हर इसमें से क्वेश्चन भी जरूर बनता है 6 मार्क्स का एटलीस्ट, कम से कम 6 to 8 मार्क्स का। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन की बारी आ गई, अब फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें जो है मशीन अकाउंट बनाना है। अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं एक बार, आप देखो अपनी बुक में लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख, 4 लाख की मशीन परचेज हुई है 1 अप्रैल 2019 को, एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, जो कि इसी में क्लब होगा उसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर, मशीन की लाइफ दे रखी है 10 ईयर, आफ्टर विच इट्स रेजिडुअल वैल्यू मीन्स ब्रेकअप वैल्यू वो दे रखी है क्वेश्चन में विल बी 50,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू बी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 1st 3 ईयर, और मशीन अकाउंट आपको बनाना है 3 साल का। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो सबसे पहले वर्किंग चलते हैं, वर्किंग जरूर बनानी होती है डेप्रिसिएशन में, क्योंकि वहीं से निकलेगा एनुअल डेप्रिसिएशन। ये देखो एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। अब आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो यदि ये दे रखी है 4 लाख और प्लस 50,000 जो उसकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट बन गई मशीन की 450, माइनस करते हैं इसमें से रेजिडुअल वैल्यू, वो 50,000 दे रखी है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन जो कि 10 दे रखी है, करोगे तो ये 4 लाख आ गया, क्योंकि 450 माइनस 50 करते हैं तो 4 लाख, और डिवाइडेड बाई 10 करो तो 40,000 आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ये मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन पर एनम 1 साल का, डीपी मतलब डेप्रिसिएशन ऐसे समझ लो, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना निकल गया 40। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई, हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन हर साल कितना चार्ज होगा 40। अब मशीन अकाउंट पे आओ कैसे बनता है, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी बनाया था वैसे, लेकिन फिर आपको बताता हूं, 4 कॉलम एक तरफ खुलेंगे, 4 एक तरफ, पहले कॉलम डेट का पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट साइड, सेम क्रेडिट साइड में 4 कॉलम, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। अच्छा जब मशीन परचेज करते हैं तो इधर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन होगा तो इधर लिखेंगे। अब जरा यहां चेक करते हैं, डेट डालो पहले 2019 और यहां अप्रैल 1st, यहां लिखो टू बैंक, मैंने आपको बताया आप बैंक भी लिख सकते हो कैश भी लिख सकते हो, जितनी मशीन की कॉस्ट है वो दिखानी होगी, ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि आप कहीं ये माइनस करके दिखाओ, मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 450, हमेशा यहां पर वो आएगी। अब आगे चलते हैं, इसका डेप्रिसिएशन वो इधर आएगा, इस डेट से 1 साल काउंट करो, कब होगा एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर कब आ गया, यहां लिखो डेट 2020 और यहां डालो मार्च 31st और यहां लिखो बाई डेप्रिसिएशन जो एनुअली आपने निकाला है, ये ना एनुअली लिखो पर एनम लिखो, एक ही मीनिंग है, कितना निकला था 40। अब इसका बैलेंस शीट निकालते हैं इसी डेट पे, मार्च 30 पे एंड ऑफ द ईयर पे, ये ईयर का एंड है यहां बाई बैलेंस शीट, ये बैलेंस सीडी कैसे निकलता है वो आपको बता रखा है, दोनों का टोटल करेंगे जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे, मैं टोटल करता हूं कितनी आ रही है 450, जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखी जाएगी 450, ऐसे ही निकलता है ये, हमने कैश बुक में भी सीख लिया, लेजर में भी सीख लिया। लेजर को क्लोज करने का तरीका क्या है, दोनों साइडों को चेक करो डेबिट और क्रेडिट, जोन सी ज्यादा आ रही है वो दोनों तरफ लिखेंगे और फिर जो डिफरेंस है वो यहां लिख देंगे, डिफरेंस कितना आ गया 4,10,000, ये समझ आया कहां से आया ये डिफरेंस, जो बड़ी वाली फिगर थी 450 उसमें से छोटे वाली माइनस कर दी 40 तो ये आ गया। ये मैं यहां कर भी देता हूं, देखो करना नहीं है आपने, 450 बड़े वाली साइड थी और छोटी कौन सी थी 40, ये माइनस किया तो ये आ गया। अब ये आगे फॉरवर्ड होगा और जब आगे फॉरवर्ड होगा तो इससे एक दिन आगे की डेट आएगी, या ईयर लिखो 2020 और अप्रैल 1st, यहां लिखो आप टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन 4,10,000, ये चीज क्लियर हो गई। ये सेकेंड ईयर की बात आ गई, हमें हर साल क्या पता चलता है मशीन अकाउंट बनाने से कि आफ्टर 1 ईयर हमारी मशीन की वैल्यू आज कितनी बच गई है 4,10,000 के नियर अबाउट। अब इसका डिप्रिसिएशन इस साल फिर लगाओ, इसके आगे की डेट करो 2021 और यहां लिखो मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट था डेप्रिसिएशन का जो एनुअली आपने निकाल रखा वर्किंग में 40 पुट करो,
फिर दोबारा से बैलेंस शीट निकालो इसकी, डेट डाल दो मार्च 31 और भाई बैलेंस सीडी हर साल क्लोज करेंगे। अब बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, दोनों को टोटल करते हैं, पहले दोनों का टोटल कर लेते हैं एक बार। चलो जी, ये आप बैलेंस सीडी निकालो, इधर टोटल लिखो, बड़ी फिगर है 410,000, उसमें से ये माइनस करते हैं तो कितना बन गया 370,000। आ गया समझ कैसे आया, 410 माइनस 40 करें तो कितना आ गया 370। अब इसके आगे की डेट डाल दो 2021 और अप्रैल 1st, यहां लिखो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना अमाउंट 370। थर्ड ईयर है, कितने ईयर का बनाना है क्वेश्चन में लिखा होता है, अपनी तरफ से नहीं बनाना, किसी क्वेश्चन में 3 ईयर का लिखा होगा, किसी में 2 का, किसी में 4 का। इस क्वेश्चन में कहा था मशीन अकाउंट बनाओ फॉर 3 ईयर्स, तो तीसरा साल आ गया है। अब यहां एक साल बाद की डेट, ये एंड हो गया और मार्च 31st, यहां लिखो बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना था 40। हर साल वो सेम रहेगा याद रख लो, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। रिटर्न डाउन में यह हर बार चेंज होगा, तो अभी जब वो करेंगे तब डिस्कस है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है एवरी ईयर सेम रहेगा। ये देखो इसमें ही 40 था, इसमें ही 40, इसमें ही 40। अब यहाँ फिर इसका डेट से निकाल दो, बैलेंस शीट निकाल देते हैं, फिर यहाँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन इसका टोटल करते हैं, इधर का टोटल आ गया 370, लिख दो 370 और इसमें से माइनस करो 330,000। ये लो, ये समझ आया कहाँ से निकला। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो अप्रैल 1st और लिख दो टू बैलेंस बीडी, जितने साल का बनाएगा उससे आगे एक दिन की डेट पे लिखे बैलेंस बीडी 330,000। क्या पता चलता है, देखो मशीन से ये पता चलता है कि मशीन से 3 साल के बाद हमारी मशीन कितने की बच गई, आज नियर अबाउट 330, और इस पर कितने की कमी आ चुकी है वो यहां से पता चलता है 40 और 40, 1,20,000 के आसपास डेप्रिशिएशन लग चुका। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है रेट में कमी आ जाना ड्यू टू यूसेज, यूज करने से जो रेट में कमी आई वो कितनी आ चुकी है अब तक, ये अप्रॉक्स होता है, एक्चुअल नहीं होता है याद रख लो, एक्चुअल तो मार्केट रेट है, वो इससे ज़्यादा की यदि हम सेल करें आज तो हमें आइडिया है कि 330 की हो गई, वो थोड़ी कम या नहीं ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब आज हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आज हमने 2nd, 3rd और 4th 3 क्वेश्चन कर लिए, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, 2 में मशीन अकाउंट बनाना था और 1 में डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना था और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट क्लास में 5th क्वेश्चन से शुरू करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।